वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम पाठ 16 उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। उपसर्ग को हम पहले भी समझा चुके हैं, ये रिवीजन पार्ट आपका हो रहा है। उपसर्ग को समझा चुके हैं, आज प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या है? उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते थे? उपसर्ग जो वो शब्दांश होते थे जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते थे। और प्रत्यय क्या है बच्चों? प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर एक, कृत प्रत्यय और नंबर दो, तद्धित प्रत्यय। तद्धित क्रियाओं की धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रियाओं की धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे निर्मित शब्द जो होते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं, कृदंत कहलाते हैं। अब बच्चों हम कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कर्तवाच्य से कृत प्रत्यय बनेगा, जैसे आंख है प्रत्यय, आंख से हम प्रत्यय क्या बनाएंगे? तेरा, तेरा। शब्द क्या बन गया? पैरा। पैरा में क्या है? आंख जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो आप ये प्रत्यय है, पैरा शब्द बना तो ये एक अर्थ ही बदल गया। ठीक है बच्चों, जैसे है अक, अक प्रत्यय है। जैसे अक प्रत्यय से कैसे बनेगा? जैसे चालक, चाल, तो चालक ये क्या हो गया? प्रत्यय का उदाहरण हो गया। कर्मवाच्य प्रत्यय के उदाहरण है, कर्मवाच्य के उदाहरण है। अब हम देखेंगे बच्चों कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण, जैसे आज प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो शब्द बन जाता है हेला। तो ये क्या है? हेल क्या है? ये क्रिया है। और हेला आ प्रत्यय लग गया तो ये बन गया खेला, खेला। जैसे झूला, खेला झूला। और बच्चों जैसे नी प्रत्यय, नी, नी से हम शब्द क्या बनाएंगे? ओर नी, ओर नी, ओर नी। इस तरह के शब्द बन जाते हैं। चल नी, चल नी। बच्चों समझ में आया? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के उदाहरण है, जैसे आप प्रत्यय है तैराक शब्द बन जाएगा, अक प्रत्यय है तो चालक पाठक, नी प्रत्यय है तो ओढ़नी चढ़नी, ये प्रत्यय में आएंगे। ये क्या है? कर्मवाच्य के कृत प्रत्यय है। करणवाच्य के कृत प्रत्यय में क्या होता है बच्चों? करण कारक जो करण वाक्य है उसमें करण वाचक संज्ञाएं बन जाती है। कैसे बनते हैं बच्चों? जैसे ऊ है तो ऊ से क्या बनेगा? ऊ प्रत्यय। ऊ से हम उदाहरण क्या लेंगे? जैसे झाड़ू, तो झाड़ू क्या है? प्रत्यय करण वाचक प्रत्यय। ना है, जैसे ना प्रत्यय, ना
हैं इसमें भाववाचक प्रत्यय में, जैसे आई प्रत्यय है, आई आई प्रत्यय है तो इसे शब्द क्या बनाएंगे हम, जैसे हो गया लिखाई, लिखाई और बना सकते हैं लिखाई के बाद पढ़ाई, सुनाई, जैसे सुनाई, पढ़ाई, लिखाई, इस तरह के शब्द बनती है। ये क्या है, भाववाचक प्रत्यय। जैसे आपा है, आपा एक प्रत्यय शब्द है, आपा, इससे हम शब्द बनाएंगे जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा। बच्चों समझ में आया, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका भाव बदल, उनका अर्थ बदल लेते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृतप्रत्यय, कृतप्रत्यय का अर्थ है जो क्रियाओं के धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द निर्मित करते हैं उन्हें हम कृतप्रत्यय कहते हैं। कृतप्रत्यय में जैसे ऊष प्रत्यय लगा दिया तो झाड़ू बन गया, ना लगा दिया तो झाड़न बन गया, बेलन बन गया, आई प्रत्यय लगाया तो लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, आपा है तो बुढ़ापा, मोटापा। अनीय प्रत्यय जैसे तो स्मरणीय, निंदनीय। अक्कड़ है जैसे, अक्कड़ प्रत्यय तो किससे क्या बनते हैं, अक्कड़ प्रत्यय से भुलक्कड़ शब्द बन जाएगा, भुलक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आलू है तो दयालु, कृपालु, इस तरह के शब्द बनते हैं प्रत्यय। अब बात करते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय की। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय बच्चों जिन शब्दांशों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों के अंत में किया जाता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों में, अव्यय शब्दों के अंत में जोड़कर किया जाता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धितांत। तो बच्चों कृतप्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृतप्रत्यय है, कृतप्रत्यय है वो क्या होता है, क्रिया उसके अंत में जुड़ती है, क्रिया की मूल धातु में अंत में लगते है। और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या करता है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं और कृतप्रत्यय से बने हुए शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृतप्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहेंगे, कृदंत, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्धितांत, तद्धितांत, तद्धितांत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय। तो बच्चों प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय का जो पाठ नंबर 16 है उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम अक्सर उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन आ देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृतप्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृतप्रत्यय को, कृतप्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इनको हम जो शब्द निर्मित होते हैं कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे निर्मित शब्द, तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्दों को हम
तद्विकांत प्रत्यय कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय का अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।